हेलो गाइस, स्वागत है आपका दा पावर टेक्निकल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स। जी हाँ, डिश टीवी का स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाते हैं अगर आप सेट टॉप बॉक्स यूज करते हैं तो। पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, डिश टीवी का स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स कई बार हैंगिंग का इशू आ जाता है, क्रैशिंग का इशू आ जाता है, कई बार पिक्चर फ्रीजिंग का इशू आ जाता है। ठीक है जी, तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी और दूसरी हमारी प्रॉब्लम होगी हमारा जो सर्च करने का एक कीवर्ड होता है, जैसे कि हमें कुछ भी टाइप करके अगर हमें सर्च करना है डिश टीवी स्मार्ट हब सेट टॉप बॉक्स पे, जैसे कि हमें गूगल से कुछ भी सर्च करना है या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना है, तो हमारा जो स्मार्ट हब सेट टॉप बॉक्स है इस सेट टॉप बॉक्स में हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो इस सेट टॉप बॉक्स में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे को, कीवर्ड हमारा मिसिंग हो जाता है, जो कीवर्ड होता है वो मिसिंग हो जाता है और हमारा कुछ भी, जैसे कि हैंगिंग का मैं इशू बताता हूँ। ये भी सारे तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे डिश टीवी स्मार्ट हब सेट टॉप बॉक्स में, आज की इस वीडियो में सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जैसे जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो गाइस आपको वही आपको प्रोसेस अपनाना है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियरली सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आपका सेट टॉप बॉक्स अगर हैंग होता है या आपका जो सेट टॉप बॉक्स है पिक्चर फ्रीजिंग होती है, पिक्चर आपका स्टॉप हो जाता है या हैंग करता है, और सेकंड ऑप्शन जैसे कि मैंने बताया था आपका अगर जो भी आपका सेट टॉप बॉक्स है उसमें अगर कीवर्ड गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू हैगा कि मिसिंग हो गया तो आप कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकते। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ आपको क्या क्या स्टॉप फॉलो करने हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट होने वाली है। ठीक है जी, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और वीडियो स्किप नहीं करना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते हैं अपने टीवी स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ चेकिंग करनी है। ठीक है जी, ओके। तो गाइस आ चुके हैं हम टीवी स्क्रीन पे, अब हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ अब हमें क्या करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें करना है, हमें सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स का जो वर्जन है वो चेक करना है कि हमारा जो वर्जन है वो हमारा ठीक चल रहा है या मतलब कि क्या कुछ कौन सा अपडेट चल रहा है। सबसे पहले हमें अपनी टीम से ये पता करना है, या आपको भी मैं आपको बता देता हूँ अभी लेटेस्ट में कौन सा वर्जन हमारे सेट टॉप बॉक्स में चल रहा है। तो एसटीवी इन्फो शीट पे आपने जाना है और यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन V9.4.4049 हमारा जो एंड्रॉइड का जो वर्जन चल रहा है ये चल रहा है। अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में अगर ये वर्जन नहीं है तो सबसे पहले हमें ये चीज अपडेट कर लेनी चाहिए। तो अपडेट के बाद में भी अगर आपका सॉर्ट आउट नहीं होता तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री रीसेट करना है सेट टॉप बॉक्स को। ठीक है जी, तो फैक्ट्री रीसेट हमें किस कंडीशन में करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके टीवी स्क्रीन पे सिग्नल का कोई इशू आता है तो आपने क्या करना है, पहले तो अपना सिग्नल चेक करना है कि सिग्नल आपका क्लियरली ठीक है नहीं है। उसके बाद में सबसे पहले तो हमें हमारे सेट टॉप बॉक्स को ही फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। फैक्ट्री रीसेट करने का वही सिंपली आपके रिमोट में सेटिंग्स का बटन होता है, सेटिंग्स के बटन को आपने प्रेस कर देना है और अपने टूल्स पे आके रुक जाना है और वहाँ पे आपके राइट में कुछ एक विंडो ऑटो मोड पे ओपन हो जाती है, यहाँ पे अपने राइट का बटन प्रेस करना है और फैक्ट्री रीसेट सबसे पहले अपने कर लेना है। पहला स्टेप हमारा यही है कि फर्स्ट स्टेप पे आपने फैक्ट्री रीसेट अपने सेट टॉप बॉक्स को कुछ इस तरीके से कर देना है, क्योंकि कोई भी हमारे सेट टॉप बॉक्स में छोटा मोटा इशू होता है वो हमारा क्लियरली यहाँ से ठीक हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों की मैं बताता हूँ, कोई भी हैंगिंग का इशू होता है या आपका सेट टॉप बॉक्स में कीबोर्ड मिसिंग होते हैं या एनी प्रॉब्लम कुछ भी दिक्कत होती है, सबसे पहले हमें फर्स्ट रीसेट यही वाला करना होता है। उसके बाद में हमें जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के लिए हमें सिंपली वही बटन दबाना है, अपने सेटिंग्स का बटन होता है, सेटिंग्स के बटन प्रेस करने के बाद में हमें एंड्रॉइड सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है जी, एंड्रॉइड सेटिंग्स पे जाने के बाद में हमें दोबारा से ओके करना है इसी बटन पे, और ओके करने के बाद में हमें क्या करना है, डिवाइस प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, डिवाइस आप इसमें देख रहे हैं जो डिवाइस आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक विंडो और ओपन हो जाती है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है, अपने स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे लेके आना है इसको। डाउन करने के बाद में एक हमारे पास एक रीसेट का ऑप्शन और भी आ जाता है, ओनली फॉर रीसेट लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे आपने रीसेट कर देना है, ओके करना है। और रीसेट करने के बाद में एक ऑप्शन हमारे पास एक डाउन और आता है, यहाँ पे कहता है कि रीसेट करने के लिए आपने डाउन करना है, तो यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में एक सेटिंग्स और आती है जो कि यहाँ पे इरेज एवरीथिंग, मतलब कि आपका जो भी डाटा होगा, कुछ भी डाटा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इरेज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड ऐप। ठीक है जी, आपका जो भी डाउनलोड एप्लीकेशन होंगे, जो भी आपका इरेज डाटा होएगा, वो सारा कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने कस्टमर को ये बता देना है, या आप खुद से आपका सेट टॉप बॉक्स आएगा तो आपने ये देख लेना कि आपका सब कुछ डिलीट होने वाला है, तो आपने बिना सोचे अगर आपकी प्रॉब्लम है आपको शॉर्ट आउट करनी है तो यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है, इरेज कर देना है।
इरेज करने के लिए आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे, और क्लिक करते ही आपका कुछ ही सेकंडों में आपका जो सेटअप बॉक्स रहेगा ऑटो रिस्टार्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है जी। कुछ ही सेकंड का वेट करने के बाद में हमारा ये सेटअप बॉक्स ऑन हो जाएगा। तो सेटअप बॉक्स ऑन होते ही एक इरेजिंग का एक विंडो ओपन होती है जो कि कुछ डेमो टाइप का चलता है। हमारा ये सेटअप बॉक्स हैगा एंड्रॉइड पे ओपन होता है, और जैसे कि इसका जो विंडो होता है उस तरीके के विंडोज के साथ में अपना ये सेटअप बॉक्स पूरा तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ओपन होने में क्योंकि पूरा डाटा इरेज होने के बाद में कुछ ही सेकंडों का टाइम लेता है ये अपना ऑन होने में। हमारा ये सेटअप बॉक्स हैगा फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन पे आ चुका है रीसेट होने के बाद में। अब हमें यहाँ पे मांगता है, जैसे कि आप इसमें टीवी में आप देख रहे हैं कि रिमोट अब आपने लेना है, जो रिमोट आपका पेयरिंग पे था ऑलरेडी पहले आप यूज कर रहे थे, अब ये अनपेयर हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इस रिमोट को पेयर करना है, और पेयर करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं ओके का बटन दबाना है, जैसे ही लाइट बिलिंग होती है ओके का बटन आपने छोड़ देना है, ठीक है जी। सेम प्रोसेस आपने करना है, और जैसे कि मैं आपको अब इसी में सेटअप बॉक्स पे पेयर करके दिखाता हूँ अपना रिमोट। तो जैसे कि ये सेटअप बॉक्स मेरे पास आएगा और इसमें मैंने अपना ओके का बटन प्रेस करना है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रिमोट पेयर हो चुका है बहुत ही आसानी से। अब इसका कुछ सेटअप्स होता है, इसकी सेटअप अगर आपको नहीं पता है तो सेटअप कैसे करना है तो आपने, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश पे आपने ओके कर देना है, फिर उसके बाद में अगर आपका कुछ एंड्रॉइड आईडी ऐसे कुछ बनानी तो आपने कंटिन्यू करना, नहीं तो आपने स्किप कर देना है फर्स्ट टाइम पे। और आपका जो वाईफाई से अगर आपने कनेक्ट करना है, जो भी आपका वाईफाई है उसका पासवर्ड डाल के आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ROG3 है, विदाउट पासवर्ड के वाईफाई मैंने ऑन किया हुआ है, तो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली। वाईफाई मेरा जो है स्मार्ट हब सेटअप बॉक्स से कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में हमने क्या करना है, जैसे जैसे जो भी सेटिंग्स है सेटअप बॉक्स मांगता है आपने अप्रूव करते रहना है। उसके बाद में सेटअप बॉक्स मांगता है साइन इन करने के लिए, तो साइन इन आपने नहीं करना है, करना है आप कर भी सकते हो। वैसे मैं आपको स्किप करके दिखाता हूँ, स्किप करने के लिए ऑप्शन है, स्किप के ओके करते हैं, आपने एक्सेप्ट करके क्लिक करना है और लोकेशन यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद में यस जो भी मांगता है आपने यस ही करना है, और आपका जो सेटअप बॉक्स का जो मॉडल नंबर है वो आ जाता है, आपने किस मॉडल नंबर से आपने इसको पहचानना है। अपने बेडरूम में अगर आपका लगा हो तो बेडरूम सेलेक्ट करना है, बाकी सेटअप बॉक्स के मॉडल पर भी आपने क्लिक करते देना है, ठीक है जी। तो आपने ओके ओके प्रेस करना दो तीन बारी, आपका जो भी डेमो हट जाएगा। उसके बाद में हमारा जो भी सेटअप बॉक्स है ऑन हो जाएगा क्लियरली ऑटो स्कैनिंग के साथ में। जो भी आपकी चैनल्स की प्रॉब्लम्स होती है, जो कि चैनल्स कुछ सिग्नल की वजह से भी चैनल मिसिंग हो जाते हैं, वो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाएगी ये रीसेट करने के बाद में, ठीक है जी। तो सारे स्कैनिंग हो चुका है, और उसके बाद में भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होती है, हैंगिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, या आपके माउस जो भी है कीवर्ड वगैरह नहीं आते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में, जैसे कि अभी कीवर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, और ये चीज़ अगर आपके सेटअप बॉक्स में नहीं आती है तो आपने क्या करना है। लास्ट ऑप्शन एक मैं और बताता हूँ उसको रीसेट कैसे करना है, तो चलिए सीखते हैं। तो गाइस अब आपने क्या करना है, इस सेटअप बॉक्स में सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखते हैं रिकवरी का एक बटन जो कि ऑप्शन दिया होता है इसमें, जैसे कि रिकवरी का बटन यहाँ पे आप देख रहे हैं रिकवरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपने अब क्या करना है, इसमें सेटअप बॉक्स जैसे ऑन कंडीशन में अगर आपका सेटअप बॉक्स है तो सबसे पहले आपने इसमें ये जो पावर की जो लीड होती है इसको आपने निकाल देना है, सेटअप बॉक्स आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसमें आपका जो यहाँ पे रिकवरी के बाद में एक छोटा सा ऑप्शन होता है, ये बटन होता है इसमें, ठीक है। किसी भी की से आप दबा सकते हैं, किसी भी आपका इस तरीके का कुछ भी अगर आपके पास होता है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है, बटन जैसे कि प्रेस हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रख दिया। अब आपने यहाँ पे जो पावर वाली जो लीड मैंने आपको निकाल के दिखाई थी ये आपने लगा देनी है। पावर की लीड लगाने के बाद में आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, अब ये निकाल देना है, ठीक है जी। और जैसे ही हमने पावर की लीड लगाते हैं उसके बाद हमारे टीवी स्क्रीन पे क्या आता है वो आप देखिए, जैसे ही हमारा सेटअप बॉक्स ऑन होता है हमने ये छोड़ देना है। कुछ अगर इस तरीके का पॉपअप आता है, जैसे कि हमारे ये लीड लगाने के बाद में और ये हमारा प्रेस करते हुए ये पॉपअप आता है, फिर आपने ये जो की है निकाल देनी है, ठीक है जी। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसी सेटअप बॉक्स में वहीं पर आपने दोबारा क्लिक करना है, एक बारी प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद में हमारा कुछ आगे की तरफ को और प्रोसेस बढ़ता है, यहाँ पे लिखा आ रहा है लोडिंग रिकवरी, ठीक है जी। कुछ ही सेकंड का फिर से आपने वेट करना है, कुछ सेकंड वेट करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा की पूरा सिस्टम आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि सारा कुछ आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या इसमें सेटिंग्स हैं।
कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए भी यहीं से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और यहाँ से ही सारा कुछ डाटा इरेज भी हो जाता है। पूरा सेटिंग्स डिलीट भी कर सकते हो इस सेटअप बॉक्स की। तब आपने अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने जो ये इसका जो माउस है काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें वन टाइम प्रेस करना है हल्के, मतलब पूरा आपने रोक के नहीं रखना है, ऐसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा अप डाउन होएगा, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे फैक्ट्री रीसेट पर जाना है, डाटा फैक्ट्री रीसेट, डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आपने लेके आ जाना है और यहाँ पे आपने होल्ड करके रखना कुछ सेकंड तक, कहने का मतलब 2 से 3 सेकंड तक, 1 2 3 ऐसे होल्ड कर रखना और छोड़ देना है। यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन और आते हैं निकल के, यस या नो। अगर आप फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो यस पे आपने लाना है, एक बार प्रेस करना है, अपना अपना ऑटो मोड पे आ जाएगा नीचे, इसको भी आपने होल्ड करके रखना है, ऐसे होल्ड करके रखते हो 3 सेकंड तक, उसके बाद में आपने इसे छोड़ देना है। आपका जो सेटअप बॉक्स है दोबारा से इरेजिंग होएगा, पूरी जो सेटिंग्स है वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे सेटअप बॉक्स मांगता है रिबूट, ठीक है जी। आपकी जो सेटिंग्स है सारी रीसेट हो चुकी है, अब आपने रीसेट इसे रिबूट कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, कौन से तरीके से करना है, फिर आपको मैं बताता हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने करना है इसमें जो कि आपने रिकवरी का जो बटन था इस पर आपने होल्ड करके रखना है रिबूट पे, ठीक है जी। रिबूट पे एक बार होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए। अब आपका जो सेटअप बॉक्स है ऑटो मोड पे रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसमें कुछ भी करना है, जो भी आपका सेटिंग्स ऑटो मोड पे ऑन होती हैं वो सारा कुछ ऐसे ही जैसे कि तैसे छोड़ देना है, आपने कुछ ही सेकंड का वेट करना है, ठीक है जी। आपका जो सेटअप बॉक्स है क्लियरली ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमारा ऑन होने के बाद में सेटअप बॉक्स दोबारा से हमारा जो रिमोट है पेयरिंग मांगता है। तो जैसे कि आपने 2 बारी आप देख चुके हैं, अगर हम अंदर से जो सेटिंग्स होती है बॉक्स से हमें अगर रीसेट करना है तो भी हमारा रिमोट पेयरिंग मांगता है, और यहाँ से भी अगर हम इसे रीसेट करते हैं तो भी हमें इसे पेयरिंग करना होता है, वही हमारा प्रोसेस रहता है। सेम ओके का बटन आपने प्रेस करके रखना है अपने सेटअप बॉक्स के सामने, उसके बाद में लाइट ब्लिंक होने के बाद में इसे छोड़ देना है और आपका जो सेटअप बॉक्स हैगा रिमोट हैगा वो बहुत ही आसानी से पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो पेयर हो चुका है और आपका जो सेटअप बॉक्स है कुछ सेटिंग्स है सेम वैसे ही आपने अलाउ कर देना है, जो भी सेटिंग्स आपसे यह सेटअप बॉक्स मांगता है। तो सेटिंग्स आपने कोई भी ये नहीं करना है कि आपने नहीं अलाउ करना है, सेटिंग्स सारी अलाउ करनी है आपने। तो जैसे कि वाईफाई सेटिंग्स हमने वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद में इसमें हमने सारा कुछ सेटिंग्स आ चुके हैं, ऐसे टर्म कंडीशन लोकेशन वगैरह ऐसे ऑन कर देना है, सारे यस कर देना है सभी चीजों को आपने। फिर से यहाँ पे यस मांगता है सेटअप बॉक्स का जो मॉडल नंबर है और यहाँ पे ओके ओके आपने प्रेस कर देना है गूगल असिस्टेंस तक को, और उसके बाद में जो हमारा सेटअप बॉक्स रहेगा वो ऑन क्लियरली हो जाएगा। ऑन होते ही ऑटो मोड पे चैनल स्कैन लेता है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे चैनल स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी आपका सेटअप बॉक्स रहेगा, अगर आपके सेटअप बॉक्स में बैलेंस है एक्टिवेट है तो आपका सेटअप बॉक्स कंटिन्यू यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा। अगर मेरे अकाउंट में जैसे कि आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे लॉक अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है जी। तो अगर बैलेंस हैगा तो इसको रिफ्रेश करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है आपकी शॉर्ट आउट ये भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो
मुझे लगता है मैंने आपको पूरा क्लियरली आपको इस वीडियो में बता दिया है, और आपकी जो प्रॉब्लम है 101% गारंटी के साथ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी होगी। और अगर आपकी शॉर्ट आउट नहीं होती है, ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी हैंगिंग की प्रॉब्लम और आपकी कीबोर्ड जो मिसिंग की प्रॉब्लम जो थी वो आपकी अगर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो प्लीज़ कमेंट्स करते हुए ज़रूर जाना है और उसका स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना है कि आपने रीसेट कर दिया है और फिर भी ये जो प्रॉब्लम रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 101% की गारंटी है आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी और आप अपना टीवी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कोई भी बिना प्रॉब्लम के साथ में, ठीक है जी। तो चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है जी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।